Myself, Dr. Sunita Pandey, Associate Professor in Economics, SK Government Girls College, Sikar. Students, today we are going to study about quantity theory of money. आज इस सिद्धांत में हम कैम्ब्रिज समीकरण के बारे में पढ़ेंगे. कैम्ब्रिज समीकरण, जिसे नकद शेष समीकरण के नाम से भी जाना जाता है. पिछले वीडियो में फिशर का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें फिशर ने ये कहा कि मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज, अर्थात मुद्रा की मांग केवल स्वतः उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है. इससे ज्यादा मुद्रा की अर्थव्यवस्था में कोई महत्व और कोई भूमिका नहीं होती है. जबकि नकद शेष समीकरण, इसके नाम से स्पष्ट है, ये मुद्रा की उस मात्रा पर कंसंट्रेट करता है जिसे व्यक्ति खर्च नहीं करता बल्कि बचा करके अपने पास रख लेता है. तो इस दृष्टिकोण का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये बताना है कि मुद्रा केवल खर्च करने के लिए नहीं मांगी जाती है बल्कि मुद्रा को व्यक्ति अपने पास संचित करके रखने के लिए भी मांगते हैं. अर्थात मुद्रा को मांगने के दो उद्देश्य है. पहला उद्देश्य सौदा उद्देश्य और दूसरा सतर्कता उद्देश्य. सौदा उद्देश्य का मतलब है कि व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में उपभोग में काम में आने वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए जो मुद्रा व्यय करना चाहता है, इसके लिए मुद्रा की मांग. और सतर्कता उद्देश्य का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में कोई भी आकस्मिक घटना घट सकती है, किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसके आय का स्तर कुछ भी क्यों ना हो, वह कुछ न कुछ बचा करके अपने पास में आवश्यक रूप से रखना चाहता है. इसी चीज को आधार बनाते हुए ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है. इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले चार अर्थशास्त्री हैं, मार्शल, पेगू, रॉबर्टसन और केन्स. प्रोफेसर मार्शल ने कैम्ब्रिज दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले समस्त अर्थशास्त्रियों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया. सर्वप्रथम हम मार्शल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का अध्ययन करेंगे. देखिए, मार्शल ने प्रारंभ में जो समीकरण दिया था वो समीकरण था एम इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू के डैश ए. एम ये मुद्रा की कुल मात्रा को बताता है. और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है जिसे कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया है, ये मुद्रा की पूर्ति नहीं बल्कि मुद्रा की मांग पर कंसंट्रेट करता है. यानी ये मुद्रा की मांग का सिद्धांत है. तो यहाँ पर जो एम लिखा गया है ये मुद्रा की मांग को प्रदर्शित करता है. इसके पश्चात लिखा है के वाई. वाई डिनोट्स मॉनिटरी इनकम, वाई मौद्रिक आय को बताता है, और के जो है ये मौद्रिक आय का वह अंश है जिसे व्यक्ति खर्च नहीं करता बल्कि अपने पास में नकद रूप में बचा करके रख लेता है. आगे लिखा है के डैश ए. ए का मतलब है मौद्रिक परिसंपत्तियां, और के डैश मौद्रिक परिसंपत्तियों का वह अनुपात है जिसे व्यक्ति संचित करके अपने पास में रखना चाहते हैं. इसके पश्चात मार्शल के अनुयायियों ने एक रिवाइज्ड इक्वेशन, एक परिवर्तित समीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किया जो कि एम इज इक्वल टू के वाई के रूप में हमें देखने को मिलता है. यहाँ पर जो वाई है, वाई का मतलब होता है वाई इज इक्वल टू पी ओ. पी का मतलब जनरल प्राइस लेवल है एंड ओ मीन्स आउटपुट, यानी जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है. जब उन वस्तुओं और सेवाओं को उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वही वाई कहलाता है, यानी मौद्रिक आय के रूप में प्राप्त होता है. तो इस तरह एम इज इक्वल टू के वाई, वाई इज इक्वल टू पी ओ. हम इस समीकरण को परिवर्तित रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू के पी ओ. यहाँ हमने वाई को हटा करके वाई के स्थान पर पी ओ रख दिया है. अब यदि पी को बाहर निकाला जाता है देन पी इज इक्वल टू एम अपॉन के ओ. फाइनली हमारे पास में जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो इक्वेशन प्राप्त होती है पी इज इक्वल टू एम अपॉन के ओ के रूप में. मार्शल ने अपने इस सिद्धांत में मुद्रा की जो मांग की कीमत लोच है उसको इकाई के बराबर माना है. इसका मतलब ये होता है कि जब कीमत स्तर में परिवर्तन होता है तो कीमत में जितना परिवर्तन होता है मुद्रा की मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है. सपोज कीमतें यदि 10% बढ़ जाती है तो मुद्रा की मांग भी 10% बढ़ा दी जाती है. तो इस तरह से आपने ये मार्शल द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत देखा. अब हम आते हैं पेगू के इक्वेशन पे. पेगू ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए जो समीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किया वो समीकरण है एम इज इक्वल टू के पी आर. देन पी अगर हम बाहर निकाल लेते हैं कीमत को तो पी इज इक्वल टू एम अपॉन के आर. अब यहाँ पर पी एम और एक के, ये तीनों वेरिएबल वही है या कहें कि इनका मीनिंग वही है जो कि आपने मार्शल के इक्वेशन में पढ़ा. दैट मीन्स पी स्टैंड फॉर जनरल प्राइस लेवल और एम जो है वह मुद्रा की मात्रा को बता रहा है, यानी मुद्रा की मांग को प्रदर्शित कर रहा है. के मौद्रिक आय का वह अंश जो नकद रूप में अपने पास बचा करके रखा जाता है. मौद्रिक आय शब्द का प्रयोग किया था मार्शल ने. यहाँ पर वाई के स्थान पर आर लिखा गया है. इस आर का मतलब जो है ये होता है रियल इनकम. रियल इनकम यानी वास्तविक आय, एंड रियल इनकम इज नथिंग बट परचेसिंग पावर ऑफ मॉनिटरी
इनकम। मौद्रिक आय जिसे पीओ के रूप में आपके सामने बताया गया था कि जब आउटपुट को प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमें मौद्रिक आय प्राप्त हो जाती है। जब हम इस मौद्रिक आय को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में देखते हैं तो यह आर के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह पी इज इक्वल टू एम अपॉन के आर। यदि इस पी को कीमत के रूप में ना लेकर के मुद्रा के मूल्य के रूप में लिया जाता है तो मुद्रा के मूल्य के रूप में लेते ही इक्वेशन वन अपॉन पी हो जाता है और ये समीकरण परिवर्तित होकर के पी इज इक्वल टू के आर अपॉन एम का रूप प्राप्त कर लेता है। यदि पीकू के समीकरण में बैंक जमाओं को भी शामिल कर दिया जाए तो समीकरण का स्वरूप और परिवर्तित हो जाता है और ये समीकरण परिवर्तित होकर के एम इज इक्वल टू के आर अपॉन पी और बड़ा ब्रैकेट सी प्लस एच छोटा ब्रैकेट वन माइनस सी छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, या हम इसे लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू के आर अपॉन एम बड़ा ब्रैकेट सी प्लस एच छोटे ब्रैकेट में वन माइनस सी फिर छोटा ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। यहां पर जो विभिन्न वेरिएबल्स दिए हुए हैं सबसे पहले हम उनके बारे में जान लें। एम जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं कि एम जो है वह मुद्रा की मात्रा के बारे में बताता है। के वह अंश जिसे नकद रूप में अपने पास रखा जाना है। आर रियल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी जनरल प्राइस लेवल को। यहाँ पर जो दो नई चीजें हमारे सामने आई है, तीन नई चीजें एक्चुअली, वो पहला तो है सी, दूसरा है एच और तीसरा है वन माइनस सी। इनका मीनिंग क्या है आप उस पर ध्यान दीजिए कि सी जो है सी के का वह भाग जिसे विधिग्राही मुद्रा के रूप में संचित करके रखते हैं। इसका मतलब कि आर यानी रियल इनकम का जो पार्ट व्यक्ति अपने पास में नगद रूप में संचित करके रखना चाहता है अब वो पूरा का पूरा संचित नहीं रखेगा बल्कि उसका कुछ भाग बैंक में जमा कराएगा। तो यहाँ जो सी है ये उस भाग को बता रहा है जिसे व्यक्ति स्वयं अपने पास में संचित करके रखता है। इसके बाद आता है वन माइनस सी। वन माइनस सी का मतलब ये हुआ कि अब ये वो वाला भाग है जिसे व्यक्ति अपने पास न रख करके बैंक के पास जमा करवाता है। इसके पश्चात आता है एच जो कि कुल बैंक जमाओं का वह अनुपात जिसे नकद रूप में संचित रखते हैं, बैंक अपने पास में जिसे नकद रूप में संचित करके रखते हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा कि पी जो है वह जनरल प्राइस लेवल, के रियल इनकम का वह अंश वह भाग जिसे व्यक्ति नकद रूप में अपने पास संचित करके रखता है, और आर जो है रियल इनकम है, सी के का वह भाग जिसे व्यक्ति अपने पास संचित करके रखता है, वन माइनस सी के का वह भाग जिसे व्यक्ति अपने पास न रख करके बैंक के पास में जमा करा देता है, और एच जो है कुल बैंक जमाओं का वह अनुपात जिसे नकद रूप में बैंक के पास जमा रखा जाता है। तो इस तरह ये आपने पीबू द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण या कहें पीबू द्वारा प्रतिपादित समीकरण का अध्ययन किया। इसके पश्चात हम आ जाते हैं थर्ड नंबर पे रॉबर्टसन के इक्वेशन पे। रॉबर्टसन ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए जो समीकरण प्रयुक्त किया वो समीकरण है एम इज इक्वल टू के पी टी। अगर पी को बाहर निकाल दिया जाए तो हमें समीकरण प्राप्त होता है पी इज इक्वल टू एम अपॉन के टी। अब यहां पर पुनः ध्यान देने वाली चीज है कि पी वही है जो पिछले समीकरणों में हम पढ़ते आए हैं। इसका मतलब पी स्टैंड्स फॉर जनरल प्राइस लेवल। इसके पश्चात एम है, एम का मतलब भी बिल्कुल वही है यानी दिस इज क्वांटिटी ऑफ मनी और स्पेशली ये जो है मुद्रा की मांग के बारे में बता रहा है। के वही अंश है जिसे नकद रूप में अपने पास रखा जाता है। अब यहां पर टी नया वेरिएबल आया है। टी का मतलब होता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब व्यापार। कि एक अर्थव्यवस्था में एक पर्टिकुलर पीरियड में मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजेक्शन किया जाता है जो व्यापार किया जाता है उसका वह अंश जिसे नकद रूप में रखा जाता है। अब व्यापार किसका किया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं का ही व्यापार किया जाता है। तो इस तरह से यहां पर ये जो वेरिएबल परिवर्तित हुआ है यह है टी। देन पी इज इक्वल टू एम अपॉन के टी। यदि इस समीकरण में हम के स्थान पर वन अपॉन वी रखते हैं, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा के चलन वेग को भी प्रदर्शित करता है। के मुद्रा के उस पार्ट को बताता है जिसको व्यक्ति अपने पास में इकट्ठा करके रख लेता है, दैट मीन्स उसको खर्च नहीं करता है, और वी उस पार्ट को बताता है जो कि खर्च कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चलन वेग कब आएगा मुद्रा का? जब मुद्रा प्रचलन में आएगी, मार्केट में मुद्रा जाएगी, जब हम उसको मुद्रा को खर्च करेंगे। तो यदि हम के स्थान पर वन अपॉन वी लिख देते हैं और उसे इस समीकरण में हम यदि फीड करते हैं तो आप देखिएगा कि P बराबर M के स्थान पर तो M आ जाता है, M अपॉन K की जगह आ गया 1 अपॉन V इंटू टी। ये V यहां से ऊपर चला जाता है और समीकरण हो जाता है P इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी।
ये फिशर का समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। फिशर का जो मूल समीकरण था वो यही था कि P इज इक्वल टू एम पी अपॉन टी। तो कहने का मतलब ये है कि रॉबर्टसन के इक्वेशन में यदि K के स्थान पर मुद्रा के चलन वेग को डाल दिया जाता है, 1/V को डाल दिया जाता है, तो रॉबर्टसन का इक्वेशन जो है वह फिशर के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। अब आप देखेंगे कि तीन अर्थशास्त्रियों ने तीन अलग अलग समीकरण प्रस्तुत करते हुए इस मुद्रा परिमाण सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इन तीनों ने तीन अलग अलग अक्षर या कहें कि शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो इन तीनों का मतलब है वो एक ही है। वो मैं आपको स्पष्ट करती हूँ कि किस प्रकार से एक है। आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एम अपॉन के ओ आया है। एक जगह पर P इज इक्वल टू एम अपॉन के ओ, दूसरे में एम अपॉन के आर और तीसरे में एम अपॉन के टी। यानी मार्शल ने जो समीकरण प्रस्तुत किया उसमें इन्होंने ओ वर्ड यूज किया, इसके बाद पीकू ने आर और रॉबर्टसन ने टी को प्रयुक्त किया है। यहां देखा जाए ओ मीन्स आउटपुट यानी उत्पादन, किस चीज का, वस्तुओं और सेवाओं का। आर रियल इनकम यानी वास्तविक आय, जिसे हम किस रूप में देख रहे हैं, वस्तुओं सेवाओं के रूप में। कौन सी वस्तुएं और सेवाएं, वही वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादन के रूप में हमें प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात यहाँ टी आ जाता है, तो टी जो है ट्रांजेक्शन यानी व्यापार। व्यापार किसका किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का। कौन सी वस्तुएं और सेवाएं, वही वस्तुएं और सेवाएं जो आर के रूप में है, वही वस्तुएं और सेवाएं जो कि आउटपुट के रूप में है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तीनों अर्थशास्त्रियों ने तीन अलग अलग समीकरण प्रयुक्त किए हैं, लेकिन तीनों का मंतव्य एक ही है। और अब हम लास्ट एंड फाइनली प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित समीकरण को भी देखेंगे। कीन्स ने 1923 में अट्रैक्ट ऑन मॉनिटरी रिफॉर्म नामक लेख में मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में बताया, और उस समय तक कीन्स स्वयं मुद्रा की मांग के केवल दो ही उद्देश्य मानकर के चलते थे, और वो दो उद्देश्य थे सौदा उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य। आप सब जानते हैं कि इसके पश्चात जब कीन्स ने जनरल थ्योरी पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक में जब मुद्रा परिमाण सिद्धांत की चर्चा की गई, तो स्वयं कीन्स ने मुद्रा की को मांगने के उद्देश्यों में वृद्धि करते हुए उसमें एक और उद्देश्य का एडिशन कर दिया था, और वो था सट्टा उद्देश्य। लेकिन जब मुद्रा परिमाण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, या कहें कि कैम्ब्रिज इक्वेशन जब नकलशेष समीकरण के रूप में प्रतिपादित की गई थी, तब तक केन्स की भी यह मान्यता थी कि मुद्रा केवल दो उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मांगी जाती है, पहला उद्देश्य सौदा उद्देश्य और दूसरा सतर्कता उद्देश्य। केन्स ने जो है इक्वेशन जो यूज किया है वो है एन इज इक्वल टू पी के, एन बराबर पी छोटा ब्रैकेट के प्लस आर के डैश। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि केवल एक पी जो है ये पुराना वेरिएबल, पुराने वेरिएबल से मतलब कि हम जब अब तक जिन वेरिएबल्स को पढ़ते आए हैं उनमें से यहां हमें केवल पी नजर आ रहा है, बाकी सारे वेरिएबल चेंज हो गए हैं। यहां एन लिखा हुआ है, एन जो है ये मुद्रा की मात्रा के बारे में बता रहा है। अभी तक हम मुद्रा की मात्रा को एम के रूप में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन कीन्स ने मुद्रा की मात्रा को प्रस्तुत करने के लिए एन को प्रयुक्त किया है। इसके पश्चात के और के डैश, के हमने पहले भी पढ़ा है, के डैश भी पहले पढ़ा है, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इन सब वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है उसको जरा हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि इस इक्वेशन में पी जो आया है ये जनरल प्राइस लेवल के लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी सामान्य कीमत स्तर के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसके पश्चात एन मुद्रा की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, के जो है उपभोग इकाइयों की वह मात्रा जिसे नकद कोष के रूप में रखा जाता है। कीन्स ने जिन शब्दों को प्रयुक्त किया है उसमें उपभोग पर कॉन्सेंट्रेट किया है, सीधे सीधे ये नहीं कहा कि हम जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं या जो व्यय करते हैं उसमें से बचा करके रखी जाने वाली मात्रा, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि ये उपभोग इकाइयों की वह मात्रा है जिसे खरीदा नहीं जाता है बल्कि बचा करके अपने पास में संचित करके रख लिया जाता है। इसी तरह के डैश जो है ये उपभोग इकाइयों की वह मात्रा है जिसे बैंक के रूप में जमा रखा जाता है, यानी बैंक के पास जमा करवा दिया जाता है, और आर जो है वो बैंक द्वारा रखा गया नकद कोष होता है। कीन्स ने भी अपने सिद्धांत में एम की कीमत लोच को इकाई के बराबर माना है, अर्थात देर आर डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड पी, अर्थात मुद्रा की कीमतों चिकाई के बराबर है, यानी कीमत में जिस अनुपात में वृद्धि होती है मुद्रा की मांग में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। अब बहुत शॉर्ट में हम
फिशर के समीकरण और कैम्ब्रिज के समीकरण की तुलना करते हैं। कैम्ब्रिज के जो समीकरण हैं, ये इक्वेशंस हैं, इन्हें फिशर के इक्वेशन से अच्छा बताया गया है। इसे फिशर के समीकरण पर सुधार के रूप में पढ़ा जाता है और इसके पीछे कुछ कारण हैं। वो कारण ये है कि फिशर का जो सिद्धांत था वह अल्पकाल से संबंधित सिद्धांत था और कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है ये लॉन्ग टर्म से संबंधित है, दीर्घकाल से संबंधित है। फिशर ने मुद्रा की केवल उस मात्रा पर कॉन्सेंट्रेट किया था जिसे खर्च कर दिया जाता है, जबकि ये सिद्धांत मुद्रा की उस मात्रा पर कॉन्सेंट्रेट करता है जो खर्च नहीं किया जाता है बल्कि जिसे बचा करके नकद रूप में अपने पास में संचित करके रख लिया जाता है। फिशर का जो सिद्धांत है वर्तमान परिस्थितियों में काल्पनिक प्रतीत होता है और ये सिद्धांत वास्तविकता के अधिक नजदीक हमें प्रतीत होता है। फिशर का सिद्धांत जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की स्टडी करता है जबकि ये पीरियड ऑफ टाइम की स्टडी करता है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्र के द्वारा प्रतिपादित मुद्रा परिमाण सिद्धांत फिशर के सिद्धांत पर एक सुधार के रूप में अध्ययन किया जाता है।